जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर्ड करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों हिंदी साइट का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और हिंदी का पूरा वीडियो देखना है दोस्तों आपको बहुत अच्छी ट्रिक के माध्यम से, है ना। और हमारा रोज सुबह 9:30 बजे ट्रिकी वीडियो आता है हिंदी साहित्य का, जिसमें हम प्रश्नों को याद करते हैं, रचनाओं को याद कर सकते हैं, कवियों को, सभी कुछ याद करते हैं हिंदी साहित्य का, ठीक है। तो रोज सुबह 9:30 बजे देखना ना भूलें हिंदी का ट्रिकी वीडियो। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो भी साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। पहले आपका टेस्ट होगा, फिर आपको ट्रिक भी बताई जाएगी। तो जल्दी से आपको बताना है जगत दुनियुत के रचनाकार कौन है। चार विकल्प हैं आपके सामने, जगत दुनियुत के रचनाकार बताना है। और यहां पर दोस्तों क्या आ रहा है, जगत, क्या आ रहा है, जगत। और जगत में हमें अगर घूमना है तो अपने पदम से घूमना है, पदम यानी कि पैर से घूमना है। कैसे घूमना है, पैर से घूमना है, क्या जगत। तो जगत दुनियुत के रचनाकार कौन होंगे, कौन होंगे, पदम से घूमना है तो पद्माकर, ठीक है। और दोस्तों पद्माकर का संबंध कहाँ से है, सागर से, ठीक है, सागर से है। और सागर में पद्माकर उत्सव भी मनाया जाता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और भूषण की बात करें दोस्तों, तो भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम, क्या नाम था, घनश्याम, है ना। इन्हें उपाधि दी गई थी भूषण की, तो ये चीज भी याद रखना। रीति काल में एकमात्र वीर रस के कवि हैं भूषण जी, है ना, याद रखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है। चार विकल्प हैं, बिल्कुल आसान है, आपको बताना है, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहां पर आ रहा है कवि कुल, और दोस्तों आपको पता है कि अपने अपने कुल की चिंता सभी को रहती है। आपका भी कुल होगा, आपके कुल की चिंता आपको है कि नहीं है, है, है ना। तो कुल की चिंता सभी को रहती है, इसलिए कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन होंगे, कौन होंगे, चिंतामणि। चिंतामणि यानी कि आपका जो विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपने दोस्तों मतीराम के बारे में कल पढ़ा था कि जो मतीराम है ये भाव सिंह के दरबारी कवि थे, है ना, भाव सिंह के, तो मती और भाव, है ना, तो ऐसा याद करना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, रीति संप्रदाय आपने पढ़ा है, है ना, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, रस संप्रदाय, ये सभी आपने पढ़े हैं। अब एक चीज बताना दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो बामन लोग होते, बामन यानी पंडित लोग, है ना, वो क्या करते हैं, रीति रीति से पूजन करवाते हैं, कौन, बामन लोग, पंडित को बामन बोला जाता है ना, और बामन लोग रीति रीति से पूजन करवाते हैं भगवान कई, ठीक है। तो रीति रीति से करवाते हैं, तो रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक होंगे कौन करवाते हैं, बामन करवाते हैं, तो बामन, है ना, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं बामन, याद रख लेना है आपको, ठीक है। और भामह जो है ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ठीक है। वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक हैं, है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है। अब दोस्तों एक चीज बताना कि श्रृंगार अपने भारत में ही किया जाता है कि पूरे विश्व में किया जाता है, जल्दी बताओ, कि भारत अकेले के लोग कर लेते हैं श्रृंगार, तो दोस्तों श्रृंगार तो पूरे विश्व के लोग करते हैं, तो रीति काल को श्रृंगार काल कौन कहेगा, कौन कहेगा, श्रृंगार पूरे विश्व के लोग करते हैं तो विश्वनाथ प्रसाद, कौन कहेगा, विश्वनाथ प्रसाद, है ना। और अलंकार काल कौन कहेगा, अलंकृत काल, तो कहेगा कौन, मिश्र बंधु, यानी कि मिश्र बंधु अलंकृत काल,
और श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। दोस्तों भावविलास के रचनाकार कौन है, चार विकल्प हैं, चार में से अपना चयन करके आपको बताना है। और हम बोलते ना आजकल, बोले आजकल तो आप भाव भी नहीं दे रहे है ना, भाव नहीं दे रहे है ना, या फिर भाव देव अपन बोलते, कोई भी आप सामान लेने जाते भाव देव यार क्या है, तो भाव विलास के रचनाकार कौन होंगे, देव कवि। ठीक है, कौन होंगे, देव कवि, तो भाव देव। ठीक है, और दोस्तों देव कवि के बारे में आप जानते हैं कि जो देव कवि हैं इन्होंने 34वां छल नामक संचारी भाव माना है, ये चीज तो आपको पता है। घनानंद की बात करें तो इनकी प्रेमिका के बारे में तो आप जानते ही, इनकी प्रेमिका का नाम क्या था, सुजान, है ना। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं सुजान सुजान करके आती हैं, तो वो भी याद रख लेना। बिहारी ससई तो आपको पता ही है, बिहारी ससई है ना, बिहारी जी की श्रेष्ठ रचना है, ये तो पता ही है। ठीक है, तो इनको याद रख लेंगे। और पद्माकर की जगत विनोद हमने पढ़ ली, जो आपसे पूछी जाती है। अगला बताना, आलमकृत माधवानल कामकंदला की भाषा क्या है। दोस्तों अब एक चीज बताना, दोस्तों ये पूछी जाती है माधवानल कामकंदला किसकी रचना है, तो दो कवियों की, एक गणपति की है और आलम की भी है। ठीक है, तो याद रख लेना है। और दोस्तों आपको बताना इसकी भाषा क्या है, तो भाषा इसकी क्या है। दोस्तों आपको पता है कि आपका आलम क्या है, हम बोल रहे आपका आलम क्या है यार, बोले हाँ इस अवधि में तो आलम सही है, या अंगली अवधि में आलम सही हो जाएगा, अभी आलम सही नहीं, अंगली अवधि में आलम सही हो जाएगा, है ना। तो आलम अंगली अवधि में सही होगा, तो आलमकृत जो माधवानल कामकंदला है इसकी भाषा क्या होगी, अवधि, अवधि यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, खड़ी बोली की बात करें दोस्तों, तो खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली मानी जाती है, ब्रज ये भी पश्चिमी हिंदी की बोली मानी जाती है। ठीक है, ये चीज आपको पता है ना करनी है। और आपको बता है दोस्तों कि जो राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी ये काय से निकली थी, सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, और अवधि काय की है, पूर्वी हिंदी की, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की मानी जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर आपको बताना, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों, प्रेमघन की, भारतेंदु की, राधा कृष्ण की या प्रताप नारायण मिश्र। एक चीज बताना, जैसे घर रहे वैसे विदेश रहे, मतलब व्यक्ति का प्रताप जैसा घर में है वैसा ही विदेश में है, क्या प्रताप, तो जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, है ना, चाहे घर में हो तो प्रताप वही होगा, विदेश में हो तो भी प्रताप वही होगा, तो प्रताप नारायण मिश्र, ये इनकी पंक्ति है, याद रख लेना, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, अगला बताना है दोस्तों आपको, हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, चार विकल्प हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है ना, और आपको पता है क्रांतिकारी कवि भी इन्हें कहा जाता है ना, और छंद मुक्त रचना इनकी एक जूही की कली है। ठीक है, और सबसे ज्यादा विरोध हुआ तो वो इन्हीं का हुआ है, और महाप्राण कहा जाता है किसे, निराला को। अब दोस्तों एक बताना, प्राण प्राण हो तो ठीक है बात मान ले प्राण, लेकिन महाप्राण तो कोई निराला व्यक्ति ही होगा जिसे महाप्राण कहा जाएगा, कि सामान्य ऐसे ही व्यक्ति को कह दिया जाएगा, नहीं, कोई निराला व्यक्ति है, और वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छायावाद के आधार स्तंभ। ठीक है, जूही की कली इनकी प्रथम छंद मुक्त रचना मानी जाती है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने से मना कर दिया था जूही की कली को, और दोस्तों बाद में ये रचना इतनी प्रसिद्ध हुई कि निराला जी की प्रसिद्धि का कारण बनी जूही की कली। ठीक है, याद रख लेना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की संपत्ति शास्त्र आपको याद रख लेना, 1903 में सरस्वती के संपादक बने, 1920 तक ये रहे। ठीक है, द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम भी पड़ा, ये चीज भी आपको याद रखना। गया प्रसाद शुक्ल सनेही की बात करें तो इनका जो उपनाम है वो क्या है, त्रिशूल, त्रिशूल इनका उपनाम है, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। ठीक है, इनको याद रखेंगे। और मैत्रीचरण गुप्त तो आपको पता ही है दोस्तों, है ना, भारत भारती इनकी श्रेष्ठ रचना मानी जाती है, और दोस्तों इन्हें राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। अगला बताना, कोर्ट मार्शल नाटक के रचनाकार कौन है, कोर्ट मार्शल। अब एक चीज बताना दोस्तों, कि अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है तो आप यहीं देश के कोर्ट में जाओगे कि विदेश जाओगे, स्वदेश जाओगे कि विदेश जाओगे कोर्ट में,
आपका मामला यहीं चलेगा ना स्वदेश के कोर्ट में, तो कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक है ना, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक, क्योंकि हमें स्वदेश के कोर्ट में जाना है, विदेश के कोर्ट में नहीं जाना। यानी कि आपका जो एक नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक रचना पूछी जाती है जो दोस्तों विजय तेंदुलकर जी की, कौन सी, सखाराम बाइंडर। मैंने आपको याद करवाई थी, कैसे याद करवाई थी, कैसे याद करवाई थी कि जो विजय तेंदुलकर से हमें याद आ जाता सचिन तेंदुलकर है ना, और सचिन तेंदुलकर जब टीम में खेलते थे तो सभी से सखा भाव, सखा जैसा प्रेम करते थे है ना, सखा जैसे रहते थे, तो सखा भाइंडर विजय तेंदुलकर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कोर्ट मार्शल तो याद हो गई आपको, स्वदेश दीपक। ठीक है, अगला बताना दोस्तों, बकरी नाटक के रचनाकार कौन है। बकरी, बकरियां रहती ना जो अपने गांव में आपने देखी बकरियां है ना, तो बकरी नाटक के कौन है, चार विकल्प हैं दोस्तों, और कितनी बकरी हैं पूरे देश में इसका आपको कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, जब चलेगा जब इनका सर्वे होगा, क्या होगा, सर्वे होगा, तो बकरी का सर्वे करवाना है, तो बकरी नाटक की रचयिता कौन होंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, आधे अधूरे रचना जो है वो किसकी है, मोहन राकेश की है, आधे अधूरे है ना। हबीब तनवीर की कौन सी है, चरणदास चोर, चरणदास चोर इनकी बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार पूछी गई है। ठीक है, चरणदास चोर ये याद रख लेना है, और बकरी नाटक किसका है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। ठीक है, अगला बताना दोस्तों, छल क्षण बोले कण मुस्काए, ये इसके रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती जी हैं, महादेवी वर्मा हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, या फिर नामवार से हैं। तो दो सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करेंगे, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि अगर आपको कन्हैया जी के दर्शन हो जाएं, या फिर आपके आंगन में कन्हैया जी आ जाएं, कन्हैया जी, तो क्षण बोले कण मुस्काए है ना, कण कण क्या करने लगेगा, मुस्काने लगेगा, अगर कन्हैया जी आ जाएं तो कण कण मुस्काने लगेगा, तो क्षण बोले कण मुस्कालाएं, मुस्काएं, क्योंकि कन्हैया आ गए, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है क्षण बोले कण मुस्काए। ठीक है, बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा जी की। मैंने आपको कई बार बताया है महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए एकमात्र ऐसी कवित्री थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी रचना के लिए, किसी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना, तो याद रख लेना है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में ऐसी कौन सी एकमात्र कवित्री हैं जिन्हें किसी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो वो महादेवी वर्मा ही हैं। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है दोस्तों। निबंध कृति आलोक पर्व के रचनाकार कौन है, आलोक पर्व बताना है, चार विकल्प हैं और चार में से उत्तर बताना है, और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक चीज बताना कि हमारे देश में कितने पर्व हैं, गिन के बताओ। तो दोस्तों आपने कहा सर देश की बात है, तो हमारे देश में हम नहीं गिन पाएंगे कितने पर्व हैं, वो तो हजारों पर्व हैं। कितने पर्व हैं, हजारों पर्व हैं, तो आलोक पर्व के जो रचनाकार होंगे वो कौन होंगे, हजारों पर्व हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना, याद रख लेना है, श्रेष्ठ साहित्यकार हैं दोस्तों हिंदी साहित्य के, हिंदी साहित्य के आदिकाल को इन्होंने आदिकाल कहा है ना, हिंदी साहित्य की भूमिका इनकी रचना है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। ठीक है, और दोस्तों एक इनकी रचना पूछी जाती है, मैंने आपको याद करवाई थी, अशोक के फूल। ठीक है, अशोक के फूल इन्हीं की रचना है द्विवेदी जी की है ना, और आलोक पर्व भी है, इनका हजारी नाम है, मतलब हजार से आपको याद रख लेना है। ठीक है, हजार से इनकी बहुत सारी रचनाएं याद हो जाती हैं, जैसे आलोक पर्व, पर्व हमारे देश में हजार हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, तो अशोक के फूल भाई अशोक का फूल है, तो अशोक में एक एक फूल तो फूलेगा नहीं, हजारों फूल फूलेंगे, तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इस प्रकार से हम याद रखते हैं है ना। अगला आपको बताना है दोस्तों, आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, सर्वाधिक लोकप्रिय विधा बताना है ना, विभिन्न प्रकार की काव्य विधाएं होती हैं दोस्तों, कहानी विधा है, उपन्यास विधा है, नाटक विधा है, कविता विधा है, कुछ मुख्य विधाएं होती हैं, कुछ गौण विधा होती हैं है ना, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि जो सर्वाधिक प्रसिद्ध विधा है वो कौन सी है, तो याद रखना वो कौन सी विधा है, कहानी विधा, कौन सी है, कहानी, आप किसी को भी कहानी सुनाओ वो मंत्रमुग्ध हो जाता है ना, तो
तो हिंदी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध जो विधा मानी जाती है वो कहानी विधा मानी जाती है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। कल हमने प्रेमचंद के बारे में पढ़ा था दोस्तों कि इनके उपन्यास हैं सेवा सदन, कर्म भूमि, गबन, निर्मला, है ना, गोदान, इस सारी की सारी इनकी रचना है। और इनका एक जो रचना है एक कौन सा, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास माना जाता है, अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का। और दोस्तों इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था, क्या था? प्रेमचंद जी ने कहा कि धन का मुझे क्या करना है, धन का मुझे क्या करना है, मुझे तो प्रेम मिलता रहे। तो धनपत राय इनका नाम था, क्या नाम था इनका, वास्तविक नाम था धनपत राय, है ना। और जब इनकी सोजे वतन अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त हो गई तो फिर दोस्तों एक किस नाम से लिखने लगे थे, नवाब राय नाम से, है ना, नवाब राय। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, नवाब राय, है ना, नवाब राय नाम से ये लिखते थे, लेकिन जब इनकी वो सोजे वतन जब्त हो गई थी तो ये प्रेमचंद नाम से लिखने लगे थे, है ना, दया प्रकाश नारायण द्वारा ये नाम दिया गया था प्रेमचंद, ऐसा है, ठीक है, तो याद रखना है। अगला बताना है, मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं तो कौन है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, मनोविश्लेषणवादी कहानीकार बताना है। तो एक चीज बताना दोस्तों कि आपने देखा होगा, कहा क्या देखा होगा, इस संसार के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जोश में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, बोले जिस संसार के जितने लोग जोश में आते हैं उनका मनोविश्लेषण करो, क्यों आते हैं ये जोश में, क्यों आते हैं ये जोश में, इनका मनोविश्लेषण करो। तो ईला चंद्र जोशी ये मनोविश्लेषणवादी कवि माने जाते हैं, कहानीकार माने जाते हैं, यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और आपने कल पढ़ा था अपनी खबर, अपनी खबर आत्मकथा किसकी है, तो अपनी खबर किने नहीं रहती, उग्र लोगों के लिए नहीं रहती, उग्र, है ना, तो उग्र, तो पांडे बेचन शर्मा की आत्मकथा का नाम है अपनी खबर, ये अपन ने कल पढ़ा था तो इसको भी अपन याद रख लेंगे। अगला बताना दोस्तों, पीली छतरी वाली लड़की, ये आपको बतानी है। तो कल अपन ने पढ़ा था पीली आंधी, कल अपन ने क्या पढ़ लिया था, पीली आंधी। और पीली आंधी कहाँ पर आती है, खेतन में आती है, खेतन में, है ना, खेतन में, तो प्रभा खेतान की पीली आंधी पढ़ ली थी। अब पीली छतरी वाली लड़की के रचनाकार बताना है। अब एक चीज बताना दोस्तों कि पीली छतरी वाली लड़की, और जब दोस्तों सूर्य का उदय होता है, सूर्य का क्या होता है, उदय होता है, तो आपको नहीं लगता है ऐसा कि जैसे पीला पीला दिख रहा हो, है ना, जैसे पीली एक छतरी निकल रही हो, पीली पीली छतरी निकल रही हो, है ना, तो पीली छतरी वाली लड़की का क्या हो रहा है, उदय हो रहा है, तो उदय प्रकाश, ठीक है, उदय प्रकाश याद रख लेना, उदय प्रकाश, पीली छतरी वाली लड़की, इसके रचनाकार है उदय प्रकाश, ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। और कवियों का कवि कहा जाता है दोस्तों शमशेर बहादुर को, कैसे, शमशेर बहादुर को कहा जाता है कवियों का कवि, है ना, याद रख लेना। और कैन का कवि कहा जाता है केदारनाथ अग्रवाल को, केदारनाथ अग्रवाल को, ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है। और शमशेर बहादुर को कवियों का कवि कहा जाता है। अगला बताना, शैतान मंडली की रचनाकार कौन है, शैतान मंडली। अब आपको बताना है दोस्तों कि जो शैतान मंडली रहती है, अगर इनको रोका जाए तो ये बेचैन रहते हैं शैतानी करने के लिए, बहुत बेचैन रहते हैं शैतान मंडली, शैतानी करने के लिए क्या रहती है, बेचैन रहती है। तो शैतान मंडली के रचनाकार कौन होंगे, कौन होंगे, बेचैन शर्मा उग्र, है ना, कौन होंगे, बेचैन रहती है तो बेचैन शर्मा उग्र, शैतान मंडली शैतानी करने के लिए क्या रहती है, बेचैन रहती है, तो बेचैन शर्मा उग्र इसके रचनाकार हो जाएंगे, है ना। एक तांबे के कीड़े करके रचना है दोस्तों, तांबे के कीड़े, है ना, ये किसकी है, भुवनेश्वर कुमार की है, ये भी आपको याद रख लेना है। तांबे के कीड़ों से क्या बनाना है, भवन बनाना है, भवन, तो भुवनेश्वर, है ना। और इनकी रचना तो आपको पता ही है तमस, ठीक है, भीष्म साहनी की एक रचना है तमस, जो हमेशा पूछी जाती है, इनको भी याद रखनी है। अगला बताना दोस्तों, नदी के दीप के रचनाकार कौन है। तो चार विकल्प हैं, और नदी के दीप आपने कई बार पढ़ी है कि नदी में कितने दीप हैं, अग्गे अग्गे, है ना, तो नदी के दीप अग्गे, ठीक है, याद रखना। पंत को तो आपको पता है दोस्तों, इन्होंने प्रगतिवाद को क्या कहा,
युग की वाणी कहा, प्रगतिवाद। इनकी एक रचना है युग वाणी, किसकी, पंत जी की, और इन्होंने प्रगतिवाद को कहा था युग की वाणी। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा, तो युग वाणी कहा पंत जी ने, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कभी कहे जाते हैं, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और भारतेंदु जी के बारे में तो आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि 1850 में इनका जन्म हुआ, 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी, किसकी, भारतेंदु जी के, इनके नाम पर जो प्रथम युग का नाम पड़ा आधुनिक काल के, वो क्या पड़ा, है ना, भारतेंदु। अमृतलाल लांगर की एक रचना बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, खंजन नयन, खंजन नयन कई बार पूछी जाती है, अमृतलाल लांगर की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना, प्लेग की चुड़ैल कहानी किसकी है, भगवान दास की है, रामचंद्र शुक्ल की है, किशोरीलाल गोस्वामी की है, या फिर वृंदावन लाल वर्मा की है, प्लेग की चुड़ैल। अच्छा दोस्तों एक चीज बताना कि अगर किसी को चुड़ैल, अपन बोलते ना कि यार उसको चुड़ैल लग गई थी, बोल देते हैं अगर किसी को चुड़ैल लग जाए तो कहाँ पहुँच जाना, भगवान के पास पहुँच जाना, सारी की सारी चुड़ैल उतर जाएंगी, है ना। अपन बोलते ना यार भगवान के पास ले चक लो, भूत उतर जाएंगे इसके, तो सारी की सारी चुड़ैल उतर जाएंगी, कहाँ ले जाना है, भगवान के पास। तो भगवान दास, प्लेग की चुड़ैल इनकी रचना हो जाएगी, ठीक है। सभी लोग याद रख लेना, हिंदी का पाड़नी कहा जाता है किसे, किसे कहा जाता है हिंदी का पाड़नी, किशोरी लाल गोस्वामी, है ना, याद रख लेना है, हिंदी का पाड़नी इन्हें कहा जाता है किशोरी लाल गोस्वामी को। और वृंदावन लाल वर्मा की एक रचना है दोस्तों मृगनयनी, ठीक है, मृगनयनी याद रखना है, ठीक है, इनकी रचना मृगनयनी है। और ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं कौन, वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है, याद रखना है, सभी लोग याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन बताना है, उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे। दोस्तों आपको पता है कि हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र था वो कौन था, उदंत मार्तंड था, ठीक है। और ये कब प्रकाशित हुआ, तो ये प्रकाशित हुआ 1826 में, ठीक है। कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो ये हुआ कलकत्ता से, कहाँ से प्रकाशित हुआ, कलकत्ता से, ठीक है। और ये कैसा था, तो ये साप्ताहिक था, याद रख लेना, ये साप्ताहिक था, ये याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था, तो आप बताना उदंत मार्तंड। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो आप बताना उदंत मार्तंड, ठीक है। इसके संपादक कौन थे, तो जुगल किशोर थे, ठीक है, क्योंकि किशोर लोग क्या क्या करते हैं, उदंत करते हैं, उदंड, है ना, उदंड होते हैं किशोर लोग, कैसे होते हैं, उदंड। तो उदंत मार्तंड के जो संपादक थे वो कौन थे, जुगल किशोर। ये चीज 1826 में आपकी एक क्या निकली, उदंत मार्तंड निकला। फिर दोस्तों एक पत्रिका निकली थी, कौन सी, बंगदूत, आपको पता होगा बंगदूत, कहाँ से बंगदूत निकली थी, कब निकली थी ये, 1829 में निकली थी बंगदूत। फिर हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, समाचार सुधा वर्षण, कौन सा था, समाचार सुधा वर्षण, ठीक है, कब निकला ये, 1854 में, 1854 में, है ना, याद रख लेना। और 1855 में दोस्तों एक निकला था प्रजा हितैषी, कौन सा निकला था, प्रजा हितैषी, ठीक है। ये किसका था 1855 में, इसके संपादक कौन थे, राजा लक्ष्मण सेन, है ना। श्याम सुंदर सेन ने कौन सा निकाला, इनका निकाला समाचार सुधा वर्षण, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र 1854 में, ठीक है। बंगदूत पत्रिका राजा राम मोहन राय ने 1829 में, जुगल किशोर ने 1826 में, जो है उदंत मार्तंड ये संपादक बने, है ना, और ये साप्ताहिक था। तो ये सारे के सारे आपको याद रख लेना है, ये भी आपके समाचार पत्र भी पूछ लिए जाते, ठीक है। अब दोस्तों आपकी चैलेंज की बारी है, आपको चार विकल्प दिए जाते हैं, चार में से एक का चयन करना है, है ना। आपको बताना है क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है, ठीक है, ये आपका चैलेंज प्रश्न है। सभी लोग कमेंट में लिखेंगे और इसके बारे में और भी लिखेंगे दोस्तों कि ये किसकी रचना है, है ना, और ये आत्मकथा है, जीवनी है, क्या है, ये चीज आपको बतानी है। अगर आत्मकथा है तो किसकी है, कितने खंडों में विभक्त है, ये चीज भी आपको बतानी है। तो विस्तृत जितना आप लिख सको उतना आपको लिखना है। और कल का एक प्रश्न जो आपको चैलेंज प्रश्न दिया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने, तो बहुत सारे लोगों ने उत्तर बताया, अच्छा लगा, मैंने सारे के सारे कमेंट देखे कि 1903 में ये सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे और 1920 तक ये संपादक रहे, है ना। और सरस्वती पत्रिका की जब भी बात आती है कि इसके संस्थापक कौन थे,
तो संस्थापक जो थे दोस्तों वो कौन थे, चिंतामणि घोष, ठीक है। प्रथम संपादक कौन के, श्याम सुंदर थे, और 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी कौन सी, सरस्वती पत्रिका, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब जो भी साथी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। और साथ ही दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप है अपना हिंदी साहित्य का, उसमें जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, 9098609291 इस पर आपको क्या करना है दोस्तों, मैसेज करना है, आपको हिंदी साहित्य ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आपको जरूर बताना है, दो लाइन आपकी मोटिवेट की रहेंगी, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना, तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको OTP आएगा, तो आप रजिस्टर्ड करके आगे बढ़ेंगे।